हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अपना चैनल आरजी कार रिव्यू। तो हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है वैगनआर है। वैगनआर का बेस वेरिएंट यानी कि एलेक्साई वेरिएंट है जो कि हमारे सामने खड़ा हुआ है। अगर आप फ्रंट से देखें तो आपको एलेक्साई बीएक्साई में डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ये कंपनियाँ जो हैं अच्छा काम करने लगी हैं। पहले क्या होता, जैसे कि आप ये K10 खड़ी हुई, K10 का अगर स्टैंडर्ड मॉडल आप देखेंगे तो उसमें ब्लैक बम्पर आता है, लेकिन एलेक्साई में इसमें भी ब्लैक बम्पर नहीं आता है। तो जो बेस वेरिएंट है उसमें ब्लैक बम्पर ना करके आप बॉडी कलर बम्पर देने लगी कंपनियां, ये काफ़ी अच्छा काम है कंपनियों का। अब एक अच्छा सा फील होता है कि यार दूर से पता नहीं चलती कि यह बेस वेरिएंट है या फिर यह मिड वाला वेरिएंट है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें, 1 लीटर में आपको इसका इंजन देखने को मिल जाता है। देन उसकी अगर कुछ आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग की। तो प्राइजिंग की अगर हम इसकी बात करें तो 5,55,000 रुपये एक्स्ट्रूम कॉस्ट करती है ये गाड़ी। 1.0 लीटर आपको इंजन इसमें देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट लुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो स्किड प्लेट की जगह आपको मैट ब्लैक में काम देखने को मिलता है, यानी कि अगर बम्पर ग्रिल बोलेंगे तो आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है आपका क्रोम का काम किया हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मारुति सुजुकी का लोगो जो है वो भी आपको क्रोम इसमें देखने को मिल जाता है। फॉग लैंप के बेजल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको इंस्टॉल करानी पड़ेगी, चाहे आप आफ्टर शोरूम कराएं या फिर आप जो हैं शोरूम से करा सकते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं अगर इसकी हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट आपको नॉर्मल हाइलोजन में देखने को मिल जाती है। हाई बीम लो बीम आपको इसी में देखने को मिलेगा। नीचे आपको इतना बड़ा सा इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि मैनुअली मतलब LED नहीं रहता है, हाइलोजन में ही रहते हैं सारी चीज़ें। ऊपर आपको देखने को मिलता है एंटीना, जो कि नॉर्मल वाला एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। विंडशील्ड काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। और अगर साइड प्रोफाइल से अगर हम इसकी बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल से आपको कुछ इस टाइप से गाड़ी देखने को मिल जाती है जो कि नीट एंड क्लीन है। फेंडर पे आपको इसका टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि येलो कलर से शेडेड है। देन कोई डोर साइड क्लैडिंग नहीं मिलेगी, कोई आपको व्हील साइड क्लैडिंग देखने को नहीं मिलती है। इसका रिम जो है सिल्वर में आपको देखने को मिलता है, जिसका साइज जो है R13 का आपको देखने को मिलेगा। देन ORBMs जो है आपको कुछ मैनुअली इस टाइप से देखने को मिलते हैं। BXI में थोड़े से चेंज देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है LXI में इस टाइप से ही आपको चेंज देखने को मिलते हैं। जो ये अंदर वाला पोर्शन जो है इसमें मतलब मूव नहीं करता है, ये पूरा ही मूव करता है इस टाइप से। आप इस टाइप से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। डोर हैंडल आपको ब्लैक देखने को मिलता है, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं आप। और अंदर की बात करें तो डोर आपको पूरा ब्लैक देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से, जिसमें आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, 2 पावर विंडो आपको देखने को मिल जाती हैं और 1 टच लॉक अनलॉक, और जो विंडो है उसे भी आप लॉक कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है एलेक्साई वेरिएंट है, 2 पावर विंडो भी हैं। उसके साथ साथ आपको इसमें ऑटो का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है, तो ये कमाल जो है मारुति ही कर सकती है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फैब्रिक में सीट देखने को मिलती है। हेडरेस्ट जो है आपके नॉन एडजस्टेबल हैं, काफ़ी बड़े दिए हुए हैं लेकिन नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं आपके इसमें। और नीचे अगर देखेंगे तो हाइट एडजस्टेबल सीट आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। फ्यूल टैंक जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको बूट है वो आप पीछे से ही एक्सेस कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है इसमें। इंटीरियर की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। और जो इसकी की है, अगर मैं आप लोगों को की दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से आपको मैनुअल की देखने को मिलती है, दोनों जो कि मैनुअल की हैं कुछ इस टाइप से। सुजुकी का लोगो इसमें भी रहता है। देन जो इसका राउंड शेप वाला आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जिसमें एक आपको SRS का एयरबैग, दूसरा एयरबैग आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल जाएगा। देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है BXI में अलग देखने को मिलता है, LXI में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर ओपन करेंगे इसको तो इसमें ये सारी नोटिफिकेशंस के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको छोटी सी MID दी गई, जिसमें आपको फ्यूल और आपको ट्रिप वगैरह रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें नहीं आता है, जो कि आप फिटेड करा सकते हैं, चाहे आप टच स्क्रीन कराना चाहें, चाहे आप मैनुअल कराना चाहें, उस आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी इसमें फिटेड नहीं देती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। और 1000 लैंप का स्विच जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। AC आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, AC प्लस आपको ब्लोअर जो है हीटर जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि सारे मैनुअल कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप स्पेस फ़ोन वगैरह रख सकते हैं या वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। गियर नॉब आपको देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको एक कप होल्डर बोल सकते हैं इसको, या बोतल भी इसमें मे भी आ जाएगी छोटी वाली, वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा डोर देखेंगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर का पूरा, और पावर विंडो का स्विच भी आपको उसमें देखने को मिलता है, बोतल होल्डर भी देखने को मिलती है, पूरा ही ब्लैक रहेगा आपको। देन ऊपर की अगर बात करें तो रूफ जो है वो ग्रे टाइप का रहता है, यहाँ पर भी आपको ग्रे टाइप का फील देखने को मिलता है, इस साइड भी है। और IR beam की अगर बात करते हो, डे एंड नाइट फीचर के साथ देखने को नहीं मिलता है।
देन अगर कुछ और इसकी बात करते हैं, डोर ऑन ऑफ जो जहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट है जो कि एलईडी में देखने को नहीं मिलती, हैलोजन में कोई आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, केवल या एयरबैग की गाइडलाइन देखने को मिलेंगी। तीनों जो है हैंडरेस्ट आपको देखने को, मतलब जो ग्रिप बार हैंडल होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस टाइप से इंटीरियर इसका देखने को आपको मिल जाता है। तो अगर बात करते हैं इसके रियर मतलब सीट्स की, तो रियर सीट्स में भी आपको जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स वाले देखने को मिल जाते हैं। पीछे वाले डोर जो हैं आपको मैनुअल देखने को मिलते हैं, जिसमें आप जॉयस्टिक दी हुई है, पावर विंडो नहीं होती, तो उसी से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली भाई बात आती है जब इसके रियर प्रोफाइल की, तो एक बार चल लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। तो भाई अगर हम इसके रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको BXI और LXI में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जो इसकी लाइट्स हैं वो आपको सेम देखने को मिलती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लाइट्स देखने को मिलती हैं जो कि हैलोजन में ही हैं, LED में नहीं है। लेकिन आपको दो पार्किंग सेंसर भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, और पीछे वाला जो बम्पर है वो भी आपको कलर्ड मिलेगा, यानी ये जो बॉडी कलर है वही देखने को मिलता है। जो स्किड प्लेट है वो भी आपको कलर्ड ही देखने को मिलती है, कोई ब्लैक कलर का ऑप्शन नहीं है, एक अच्छी बात है। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि दो टाइप रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर से जो बैजिंग है पूरी वैगनार की, वो मारुति सुजुकी का लोगो और कुछ इस टाइप से ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो यहीं से आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा, एक मिनट। कोई भाई मैनुअली दी नहीं है क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग नहीं है इसमें। यहाँ से इसको अनलॉक कर सकते हैं आप बूट को। ये बूट जो है आपको 341 लीटर का आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें कोई लाइट्स वगैरह देखने को नहीं मिलती, पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलती है, वो आपको एक्सटर्नल लगवानी पड़ेगी। एक चीज़ और भी, यहाँ से आप सीट भी फोल्ड कर सकते हैं इसकी। अगर बूट आपको बढ़ाना है, दो लोग जा रहे हैं, तो उसकी सीट्स भी आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही वैगनआर LXI की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।